Hello friend, Assalamu alaikum. My name is Abdul Malik. Hope you all will be fine. हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था, अब हम उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे. तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो क्या है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिकुलर मास, ग्राम फॉर्मूला मास. अब वो क्या कहता है, जो हमारे पास क्या है, जितने भी सब्सटेंस हैं उनके अंदर एटम, मॉलिक्यूल और फॉर्मूला, इन तमाम चीज़ों से ये मिलके बने होते हैं. अब उनका जो मास है या उनके मैसेज जो है रेफर किया जाते हैं तो एज एटॉमिक मैसेज, मॉलिक्यूलर मैसेज या फॉर्मूला मैस. हम उनको मैसेज जो होते हैं उनको शो करने के एटॉमिक मैसेज, मॉलिक्यूलर मैसेज एंड फार्मूला मैस यूज़ करते हैं, जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं कहाँ में, AMU में. ये हमने रिलेटिव एटॉमिक मैस हमने पढ़ा था, AMU एटॉमिक मैस यूनिट हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. अब नेक्स्ट कहता है, बट दीज मैसेज कैन आल्सो बी एक्सप्रेस इन अदर यूनिट एज वेल. इसके अलावा हमारे पास और भी यूनिट्स हैं जिनमें हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं. मैसेज जो है हम ग्राम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब देखें यहाँ पे नाम है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फॉर्मूला मास. अब ग्राम एटॉमिक मास क्या, हमने क्या करना है, हमने ये एक चीज़ याद रखनी है जो हमारे पास क्या है, द एटॉमिक, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम. सिंपल क्या है हमारे पास, इसको याद करने का आसान तरीका ये है, क्या करना है, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम. हाँ जी, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में, तो ये हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम आएगा. इसको दूसरा नाम क्या है, मोल. अब देख, 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन 1.008 ग्राम. अगर हम इसको किसमें कन्वर्ट करें, बल्कि ये कन्वर्ट हुआ हुआ है, और इसको हम क्या कह सकते हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम भी कह सकते हैं. ये देखिए अभी हमने पढ़ा ग्राम एटम किसके इक्वल है, मोल के. इस तरह हमारे पास क्या है, कार्बन, ये भी ग्राम में उसने दिया हुआ मास, बट हम इसको क्या कह सकते हैं, 1 मोल भी कह सकते हैं. उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास. अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अब द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट या कंपाउंड, उसको एक्सप्रेस करें किस में, ग्राम में, तो क्या बन जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूल, या इसका नाम, इसको मोल भी कहते हैं. सिंपल क्या है, जो भी हमारे पास, ये देखें यहाँ पर जिसकी डेफिनेशन लिखनी होगी, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट या कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम, तो ये हमारे पास ये डेफिनेशन बन जाएगी. अब ये देखें यहाँ पे मॉलिक्यूल कंपाउंड है, अब उसकी जो वैल्यू है 2.0 ग्राम, और ये किसके इक्वल है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन. सेम इसी तरह ये H2O, H2SO4, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने अंडरलाइन कर, आप इनको लाजमी देख लीजिएगा. हाँ जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास ग्राम फार्मूला मास. अब यहाँ पे क्या है, फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, यहाँ पे क्या था, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, यहाँ पे क्या था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड. अब यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस करते हैं किसमें, ग्राम में, तो हमारे पास क्या बन जाता है, ग्राम फॉर्मूला मास, इसको हम मोल भी कहेंगे. अब ये देखें यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ NaCl, तो ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, कितना है, 58.5 ग्राम, तो इस चीज़ की इक्वल है 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड. आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा. हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एवोगैड्रो नंबर्स. अब हमारे पास जो सब्सटेंस है वो एटम, मॉलिक्यूल और फॉर्मूला यूनिट्स पे कंसिस्ट करता है या कंपोज होता है. अब क्या है, जो इनका जो
काउंटिंग है इनके दरमियान, मतलब इनके जो पार्टिकल हैं उनको काउंट करना क्या है, इम्पॉसिबल। उनको बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप क्या करें, उनको काउंटिंग करना स्टार्ट कर दें। बट क्या हमारे पास जो एवोगैड्रो नंबर है वो क्या करता है, ये फैसिलिटी पर करता है कि हम क्या करें उन पार्टिकल्स को गिन सकते हैं। हाँ जी, ये देखें ये आ गया। अब एवोगैड्रो नंबर जो है वो एक कलेक्शन है कितने पार्टिकल की, 6.02 × 10⁻²³ पार्टिकल्स की, वो क्या एक कलेक्शन है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम और उसकी बेस में ए, ये क्या है एवोगैड्रो नंबर, क्या कह सकते हैं एवोगैड्रो नंबर। अब तो इसकी वैल्यू क्या है 6.02 × 10⁻²³। अब 6.02 × 10⁻²³ नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला यूनिट, इन सारों को हम क्या कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। अब ये भी क्या होता है वन मोल के इक्विवेलेंट होता है। और उसके बाद क्या कहते हैं, सिंपल कहता है 6.02 × 10⁻²³ पार्टिकल्स आर इक्वल टू वन मोल एज 12 एग्स आर इक्वल टू वन डजन। अब जैसे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अगर 12 एग हो एग्स हो तो हम क्या कहते हैं ये वन डजन है। अगर हमारे पास क्या है 6.02 × 10⁻²³ पार्टिकल्स हो तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है ये वन मोल है, ठीक है। हाँ जी, अब ये देखें यहाँ पे है कुछ रिलेशनशिप एवोगैड्रो नंबर। ये हमारे पास क्या है 6.02 × 10⁻²³ एटम ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे क्या है कार्बन पूरा, तो ये किसके इक्वल है वन मोल ऑफ कार्बन के। यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2O, तो ये इस पूरे के H2O NaCl इस कंप्लीट को देखेंगे, सिंपल नहीं एक ही को नहीं देखेंगे जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नहीं हम इस कंप्लीट को देखेंगे क्योंकि हम खुद ये यहाँ पे बता रहे हैं एटम मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला यूनिट्स, और यहाँ पे ये आयन कंपाउंड है तो हमने इस वे में चेक करना। हाँ जी, उसके बाद है ये देखें अभी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाती है। हाँ जी, कहता है 6.02 × 10⁻²³ एटम ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट क्या आ गए 6.02 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। उसके बाद ये क्या, ये मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के और ये फॉर्मूला यूनिट्स के। बट यहाँ पे एक और थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आप ये इनके ऊपर थोड़ा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब जो कहता है नेक्स्ट जो है ये जो उसने दिया है वो किस बेस पे दिया है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड नंबर ऑफ आयन इन आयनिक कंपाउंड या नंबर ऑफ एटम, ये खड़ा नंबर ऑफ एटम इसकी बेस पे उसने ये एग्जांपल दिए। अब वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ टू एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम वाटर को देखें एटम की बेस पे तो फिर हम किस इसको क्या करेंगे, टू से मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 × 10⁻²³, फिर जाके इनका आंसर आएगा। बट अगर हम क्या करें जस्ट करें वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तो फिर हमारे पास क्या है जस्ट 6.02 × 10⁻²³ आंसर आएगा। अगर हम उसको एटम की बेस पे करेंगे तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मॉलिक्यूल ऑफ वन वाटर करेंगे मॉलिक्यूल की बेस पे तो फिर हमारे पास 6.02 × 10⁻²³ आएगा। फिर हम जो इसके पार्ट्स हैं या इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके उनसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कि उनकी कितनी अमाउंट है। हाँ जी, ये देख लें यहाँ पे वन फार्मूला यूनिट। अब फार्मूला यूनिट में पूरा सोडियम क्लोराइड आएगा, ऐसे नहीं कि सोडियम अलहदा क्लोराइड अलहदा। अब ये क्या कंसिस्ट ऑफ, अब सोडियम क्लोराइड में सोडियम एक एटम है आयन है और जो क्लोराइड है वो भी क्या है एक आयन है। लेकिन क्या है क्योंकि हमने क्या करना है, अब 6.02 ये क्या है 10⁻²³ सोडियम के लिए भी है और क्लोराइड आयन के लिए भी है, तो ये क्या है यूं हमारे पास अमाउंट ज़्यादा होती है। बट अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो हम क्या करें वन मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड अलग चीज़ है, सोडियम आयन
क्लोराइड आयन, ये अलग चीज है, बट वो डिपेंड करता है कि हमने उसको एक्सप्रेस किस तरह करना है। क्योंकि हमने कहा वन फॉर्मूला यूनिट, तो इट्स मीन ये क्या है, सोडियम क्लोराइड कंप्लीट होगा। अगर हम वन फॉर्मूला यूनिट नहीं कहते, सिर्फ एक कहेंगे, तो फिर हमारे पास क्या, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखें टोटल नंबर ऑफ आयंस, अब उसने आयंस की बात की है, फॉर्मूला यूनिट की बात नहीं की। इसके अंदर फिर क्या होगा, सेपरेट सेपरेट। फिर वो कहता है वन मोल ऑफ NaCl इज इक्वल 12.04 × 10⁻³। ठीक है, या इसको 1.24 × 10⁻²⁴ में भी एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। हाँ जी, अगर आप लोगों को समझ आ गया आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वह आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उसका फ़ायदा आपको है, हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो आपको मिल जाएगी, उसका आपको नोटिफिकेशन आएगा, तो आप इजीली हमारी वीडियो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अल्लाह।